माँ तुझे प्रणाम की अंतिम क्लास में डॉक्टर सीमा मैडम का वेलकम करते हैं। वेलकम सीमा मैम HSH में। एंड मैंने आपको काफी एक्टिव देखा है ग्रुप में। काफी सीनियर मैम है हमारे। एक्सप्लेनेशन, डिटेलिंग, कट टू कट एकदम मस्त। आई हैव सीन अ लॉट विथ हर। सो वेलकम मैम आज के सेशन में। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मैम। थैंक यू अशोक सर। सबसे पहले तो हनीमैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से आज हम होम्योपैथी में हैं, और इसके बाद में जितने भी और हमारे प्लर्स रहे हैं होम्योपैथी के, उन सबको डीप ग्रेटिट्यूड। और फिर उसके बाद में मेरे जितने भी गुरु रहे हैं, जिनसे भी मैंने सीखा है अब तक और अब तक सीख रही हूँ, तो जो भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, या जिनसे भी मैंने एक भी चीज सीखी है, उन सबको मेरे दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। और अशोक सर को सबसे ज्यादा धन्यवाद कि वो उन्होंने मुझे इस सीरीज के लिए मौका दिया। तो मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली मैंने कोई केस नहीं लिया है, मैंने 3 रूब्रिक्स का DD रखा है, उसमें साथ में और भी रूब्रिक्स, आपको छोटा मोटा DD चलता ही रहेगा। तो मैंने अभी जैसे तीन पिक्चर्स शेयर किए हैं, तो उसमें एक सेंसिटिविटी वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा मार्क्ड है, और कैसे क्या है वो उसमें थोड़ा बहुत डिटेल है। तो मेरा जो आज का पार्ट है वो मेनली 3 रूब्रिक्स पर है, सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशंस, एक्सटर्नल इम्प्रेशंस एंड मेंटल इम्प्रेशंस। इसके अलावा छोटा मोटा DD इधर उधर होता रहेगा। तो मैं सबसे पहले अपने सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूंगी कि हमको इतना हार्ड वर्क करना है, इतना हार्ड वर्क करना है कि हम जो भी अचीव करना चाहते हैं वो हम कर पाए। तो उसके लिए हमारे पास एक ही चाबी है, हार्ड वर्क। तो मेरी लाइन है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि एक दिन खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो हम लोग, और ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम अपनी तरफ से बहुत हार्ड वर्क करें। तो मेरे 3 रूब्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसमें एक एक वर्ड को हम समझेंगे कि इनका मतलब क्या है और इनको यूज कैसे करना है। तो इन 3 रूब्रिक के पहले मैं एक रूब्रिक और है एक्स्ट्रा, वो मैं लेना चाह रही हूँ। उसका वो रूब्रिक है सेंसेस अक्यूट। तो सेंस अगर हम देखें कि भाई किसी भी चीज का सेंस होना वो अक्यूट हो जाए, तो उसका डायरेक्ट मीनिंग क्या बनता है? तीक्ष्ण चेतना शक्ति। अब ये चेतना शक्ति जिस भी चीज के साथ में जुड़ जाएगी ना, वो ही अपना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि हम लोगों के पास में 5 सेंसेस हैं मेनली। हमको दिखता है, हम स्वाद चखते हैं, हमको स्किन से टच होता है, स्मेल आती है, सुनाई देता है। तो ये हमारे नॉर्मल 5 सेंसेस हैं। तो इस रूब्रिक में कैसे ये फिट होगा? तो अक्यूट सेंसेस वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों में ये पांच पांचों के पांचों सेंस एग्जग्रेटेड और शार्प फीलिंग वाले होते हैं। यानी कोई भी एक, ऐसा नहीं कि पांचों ही होंगे। जैसे अपना देखना हुआ, सुनना, स्मेल, टेस्ट या फील। किसी किसी को बहुत फील होता है, कपड़ा भी टच नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये जो ये अक्यूट वाली कंडीशन में आता है, तो ये लोग एक नॉर्मल इंसान की अपेक्षा किसी भी चीज को ज्यादा फील करते हैं। ये जो पांच बताए हैं ना, उनमें से अगर ये 6th सेंस की तरफ चला गया तो फिर वो क्लरवाइंस वाली कंडीशन में जा सकता है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये जो अपने 5 सेंसेस हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति यहां तक फील कर लेता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी हिलने की थोड़ी सी आहट भी उसे सुनाई दे गई है, जबकि दूसरे को इसका पता ही नहीं चल पाया, वो भी उसके साथ ही बैठा था। तो वो कहता है कि अरे यार, तुम्हारे कान तो बड़े तेज हैं, तुम्हें कैसे सुनाई दिया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि कोई और है इस कमरे में और तुमको पता लग गया। इसी तरह से बाकी के सेंसेस भी अक्यूट हो सकते हैं किसी के। जैसे किसी की नाक तेज होती है तो जो थोड़ी सी भी स्मेल जल्दी पकड़ लेता है, किसी के कान बहुत तेज होते हैं तो जरा सी भी आवाज फौरन सुन लेता है और पहचान भी लेता है कि किसकी आवाज है। तो ये अक्यूटनेस है हमारी सेंसेस की। अब हमारे पास में मेन रूब्रिक आता है सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव। सेंसिटिव को समझने के लिए हमने ये रूब्रिक लिया है, और ये इस तरीके से है, सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव। सेंसिटिव क्या होता है? सेंसिटिव होता है संवेदनशील, और ओवर सेंसिटिव मतलब अति संवेदनशील। एक तो कोई व्यक्ति संवेदनशील है और एक अति संवेदनशीलता उसमें आ गई है,
ये जो ऊपर हमने बात की है वो हमने मॉर्बिड लेवल की बात की है. इन जनरल किसी को होता हो, जो होता हो, लेकिन बीमारी के टाइम पे कोई कहे कि डॉक्टर साहब पहले इतनी स्मेल नहीं आती थी, अभी मुझे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, हर चीज में से अक्यूट, मतलब जरा सी भी स्मेल हो पड़ोसी को नहीं पता लगती लेकिन मुझे पता लग जाती है, तो उस कंडीशन में हमको ये चीजें लेनी है. लेकिन मैं अभी किसी कंडीशन से, किसी चीज से इसको रिलेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वर्ड मीनिंग बता रही हूँ आपको कि आपको वो वर्ड की मीनिंग पता लगे, उसको कैसे लगाना है, क्या लगाना है, दैट इज द अनदर पार्ट. हम सिर्फ रूब्रिक्स की मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. तो सेंसिटिव जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, नहीं किसी की विशेषता. और इसका हिंदी मीनिंग क्या है? संवेदनशील, नाजुक, शीघ्र ग्राही, सुग्राही, छुई मुई, कोमल हृदय वाला, जल्दी प्रभावित होने वाला. जल्दी प्रभावित होने वाला उसकी क्या पहचान रहेगी? कि जैसे वो जल्दी रो पड़ता है, जल्दी बीमार हो जाता है, जल्दी दुखी हो जाता है, जल्दी शर्मिंदगी महसूस करता है. तो वह इंसान या चीज जो किसी कारण या कारक से बड़ी आसानी से ही और बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, सेंसिटिव कहलाती है. प्रभावित हो जाना, बहुत आसानी से किसी भी चीज से जल्दी से प्रभावित हो जाना, ये है सेंसिटिविटी. और ये क्वालिटी जो है वो सेंसिटिव कहलाती है. कि जैसे कहते हैं ना, अरे यार इसका दिल बहुत कोमल है, बहुत जल्दी ऐसे किसी का दुख दर्द देख लेगा तो बहुत इतना सेंसिटिव है कि बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है. तो सेंसिटिविटी मतलब अफेक्टेड होना, और वो भी बहुत इजीली. ऐसा इंसान जिस पर किसी भी चीज का असर तुरंत पड़ता हो, या उसके कारण वो तुरंत ही बीमार पड़ जाता हो या अपसेट हो जाता हो, बड़ा ही संवेदनशील या नाजुक कहलाता है. तो सेंसिटिविटी में क्या होता है कि ऐसा इंसान बहुत जल्दी अफेक्टेड में अफेक्टेड होता है. अगर टच में आया या किसी भी तरीके से, तो वो तुरंत ही उस चीज से अफेक्टेड हो जाता है. ये लोग बाहर की किसी भी स्टिमुलाई से बहुत जल्दी प्रभावित होने वाले होते हैं, चाहे वह फिजिकल लेवल पर हो. फिजिकल लेवल पर कैसे? टच हो या हीट हो, नॉइज हो, ये फिजिकल लेवल पर है. या मेंटल को अफेक्ट करने वाली चीजें हो, जैसे क्रिटिसिज्म, हियरिंग सैड न्यूज, किसी का कुछ बुरा सुन लिया तो उसका सीधा माइंड पे असर गया. हालांकि मेंटल टच भी होता है, तो फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर आदमी सेंसिटिव हो सकता है. तो ये लोग इनको तो ये लोग इन इनको आसानी से प्रभावित करने वाली चीजों के संपर्क में आने से बचते हैं, या नहीं चाहते हैं कि उन सब के संपर्क में आए, पर ये चीजें ना चाहते हुए भी अनजाने में भी इनको प्रभावित कर देती है. अभी जैसे होता है ना कि यार आपको तो दालों से आपको सेंसिटिविटी है, तो अरे नहीं नहीं दाल नहीं खाऊंगा, अरे यार दाल बनी है, नहीं नहीं मेरे लिए तो कुछ और बनाना, तो वो बचता है उन चीजों से. अरे यार बैड न्यूज सुन के तो इसका हालत खराब हो जाता है, अरे भैया मुझे तो कोई ऐसी बुरी खबर मत दिया करो जिससे मेरे मेरे को फिर वो हालत खराब हो जाए. तो ये सेंसिटिविटी है उसकी. जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया कि सीता क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ही संवेदनशील है. यहाँ वर्ड है क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म होता आलोचना, कोई उसमें कमी निकाले ना, वो आलोचना है. जरा सी किसी ने उसकी उसके काम में आलोचना की, या उसकी कोई कमी निकाली, या उसे किसी चीज के लिए कुछ बोल दिया, तो वो तुरंत अपसेट हो जाती है, चिढ़ जाती है. और वो हमेशा यही चाहती है कि कोई उसकी जरा भी कमी ना निकाले. इसलिए अब तो वो काम करने से ही साफ साफ मना करने लगी है, बचती है और कहती है कि मैं कुछ करूंगी तो आप मेरी कमी निकालेंगी, तो मुझे जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी इसलिए अब मैं काम ही नहीं करूंगी आपका. तो ये सेंसिटिविटी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. पहला वर्ड आया अभी, जो हमारे तीन रूब्रिक हैं उन सबके अलग अलग वर्ड हैं, इसलिए हमने पहला शब्द लिया है सेंसिटिविटी. उसके बाद में मोरल्स, एक्सटर्नल और मेंटल, तीन वर्ड हैं, इनको छोड़ रही हूँ. और लास्ट वर्ड है इंप्रेशन. तो सेंसिटिविटी हमने समझी, अब हम समझते हैं इंप्रेशन क्या चीज होता है. इंप्रेशन है नाउन. तो इंप्रेशन का मतलब है प्रभाव, असर, छाप, ठप्पा या निशान पड़ जाना किसी भी चीज का, ये इंप्रेशन है. तो किसी बात का या किसी चीज का किसी और चीज पर छाप छोड़ देना या छाप पड़ जाना, दैट इज इंप्रेशन. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंप्रेशन कैसे आ सकता है? कोई भी घटना, दुर्घटना, या किसी कोई व्यक्ति का रोगी के मन के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि उसने उस
पर ऐसी छाप छोड़ दी है कि अप्रभावित होने वाला व्यक्ति कई दिनों तक उस चीज या उस प्रभाव से प्रभावित ही रहता है, उसके प्रभाव से बाहर ही नहीं निकलता है, ये इंप्रेशन है। एग्जाम्पल से देखते हैं, अरे तुमने मेरा हाथ चूमा तो देखो तुम्हारी लिपस्टिक का इंप्रेशन मेरे हाथ पर आ गया, ऐसे ये छाप पड़ गई ना आपके होठों की लिपस्टिक उसके हाथ पर छप गई है, ये इंप्रेशन है। एक वर्ड को समझ रहे हैं अभी हम, बाद में इस पूरे रूब्रिक के साथ में इसको मैच करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पेशेंट कहता है कि मेरा मन हर बाहरी प्रभाव को इतनी शीघ्रता से पकड़ता है कि जो कुछ भी वो देखता या सुनता है उसको तुरंत अपना लेता है। जैसे अगर मैंने कोई मुर्दा देखा तो उसकी शक्ल ही मेरी आंखों के सामने कई दिन तक घूमती रहती है, ये इंप्रेशन पड़ गया है उसकी शक्ल का उस पर और वो जान ही रहा है, वो छप गई है उसकी आंख बंद करते ही वो ही दिखता है उसको, ये इंप्रेशन है, ये सेंसिटिविटी नहीं है। अभी हम सेंसिटिविटी और इंप्रेशन में भी डीडी करेंगे। किसी की कोई खबर सुन ली तो कई दिन तक मन पर उसका रिकॉर्ड जैसे चढ़ा रहेगा और वही बजता रहेगा। किसी ने जो कुछ कहा उसको मैं ऐसे मान लेता हूँ जैसे कि बस यही ठीक है, उसी के इंप्रेशन में आ जाता हूँ। हमने फेयर एंड लवली का एड क्या देखा कि हम तो खुद ही फेयर एंड लवली यूज करने लग गए, हमने सोचा ही नहीं, बुद्धि भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं, बस वो एड देखा और वो ऐसा इंप्रेशन पड़ा, अच्छा ऐसे लगाने से गोरा हो जाता है, इंप्रेशन में आ गए और हम उसको भी यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए आपको सेंसिटिविटी और इंप्रेशन में दोनों में चीजें बाहर से मिल रही हैं, लेकिन अंतर क्या है? सेंसिटिविटी में भी बाहर के वातावरण से आप पर इफेक्ट आ रहा है और इंप्रेशन में भी बाहर के वातावरण से आप पर इफेक्ट आ रहा है, लेकिन दोनों में समझने वाली बात यह है कि सेंसिटिविटी में जो बाहर का वातावरण आपको इफेक्ट कर रहा है उसमें रिएक्शन चेंज होता है, जबकि इंप्रेशन में सेम टू सेम होता है। जैसे मान लो मैंने अगर इंक पर हाथ लगाया तो इंक मेरे अंगूठे पर या उंगली पर छप गई, दैट इज इंप्रेशन, इंक का इंप्रेशन आया। लेकिन सेंसिटिविटी में क्या होगा, अरे यार इंक को छुआ था ना तो खुजली आया, यार एलर्जी कर गई ये तो, वो इंक छपी जो तो छपी लेकिन उसको उसने ध्यान नहीं दिया कि वो छपी नहीं छपी, लेकिन वो जो खुजली हो गई उससे जो रिएक्शन आ गया ना वो उसके लिए सिरदर्द बन गया, अरे यार ये तो, यार ये तो एलर्जी हो गई मेरे हाथ में। तो ये सेंसिटिविटी है, और अपने जो रूब्रिक्स है उसमें इंप्रेशन और सेंसिटिविटी दोनों शब्द साथ चलेंगे आगे तीन शब्दों के साथ में, वो हमको समझने हैं। तो सेंसिटिविटी में रोगी पर जिस भी चीज का प्रभाव पड़ता है उसका रिएक्शन उससे अलग ही आता है। जैसे अगर ठंडी हवा में आप जाते हैं तो आप ठंडे नहीं हो जाते, मतलब ठंड आपके अंदर छप नहीं जाती, लेकिन आपको जुकाम हो जाएगा या आपको बुखार हो जाएगा, रिएक्शन कुछ और आता है सेंसिटिविटी में। लेकिन इंप्रेशन में क्या होता है कि इंप्रेशन में आप जिस भी चीज के संपर्क में आते हैं या आप पर जिस भी चीज का प्रभाव पड़ता है वही की वही चीज आप में भी दिखती है या आप उसका प्रतिरूपण कर लेते हो। जैसे आप पर अगर अमिताभ बच्चन जी का प्रभाव पड़ता है तो फिर आप क्या करोगे कि आप उनकी तरह रहना शुरू करते हो, उनकी तरह कपड़े पहनना, उठना, बैठना, बोलना और उन्हीं की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप तो उनके इंप्रेशन में हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सुपरमैन बैटमैन बन के घूमते हैं, उन पर उनका इंप्रेशन होता है, या कभी कभी हम, ये तो हमारा एक पर्सनैलिटी का इंप्रेशन है, या कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि कुछ लोग बीमारियों के लिए सुन लेते हैं और ये उसको कैंसर, और ये वो कैंसर का इंप्रेशन लेके घूमने लग जाते हैं, डॉक्टर साहब वैसे ही सिम्टम मुझे, मेरे को कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। सुपरस्टिशियस में और इंप्रेशन में थोड़ा अंतर है, वो भी हम कोशिश करेंगे समझने की। तो अब हमारा सबसे पहला रूब्रिक आता है सेंसिटिव एक्सटर्नल इंप्रेशन टू ऑल। तो यहाँ पे सेंसिटिव और इंप्रेशन दोनों को मैं समझा चुकी हूँ, अभी एक्सटर्नल को समझना है कि एक्सटर्नल क्या शब्द, क्या चीज है। एक्सटर्नल का सीधा मतलब है, ये भी एग्जेक्टिव है, बाहरी, लेकिन कहां से बाहरी, क्या बाहरी, बाहरी तो है एक्सटर्नल लेकिन क्या बाहरी, कहां से बाहरी, कितना बाहरी। तो कोई भी चीज जिसका आपके दिमाग के भीतर से उत्पन्न होने वाले विचारों, स्मृतियों या मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बाहरी मुद्दे जैसे सड़क, घर में परिवार के कारण या उसके साथ होने वाली घटना या विश्व में कुछ भी भयानक घटना हो जाए तो वो बातें दिमाग पर असर डालती हैं, तो ये बाहरी है। अब इसको और अच्छे से समझेंगे। अब बाहरी यानी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को इंप्रेशन के साथ जोड़ करके हम देख रहे हैं, एक्सटर्नल इंप्रेशन का अर्थ देख रहे हैं। यानी अभी हमने बाहरी क्या देखा कि हमारे दिमाग से जो भी चीजें बाहर है ना, या हमारी बॉडी से जो भी बाहर है वो बाहरी है, यहाँ चाहे वो कितना भी पास हो, कितना भी दूर हो, वो सब बाहरी है,
एक्सटर्नल इम्प्रेशन का मतलब हुआ जो भी चीजें आपकी बॉडी और माइंड के बाहर स्थित हैं, बाहर ही घट रही हैं और आपके पास बाहर से ही आ रही है, वो सब चीजें आप पर अपना असर छोड़ रही है। जैसे बाहर से आने वाली किसी बीमारी की जानकारी, किसी दुखद या सुखद समाचार की जानकारी, या किसी का कोई विचार सुन लेना, या बाहर की कोई घटना या दुर्घटना को देखकर, सुनकर या जानकर उससे तुरंत ही प्रभावित हो जाना, या उससे बहुत ज्यादा परेशान होते रहना, यह दर्शाता है कि यह रोगी इन सब चीजों को सहन नहीं कर सकता है या इनका प्रभाव इस पर बहुत जल्दी पड़ तो जाता है पर इस पर से जल्दी से हटता नहीं है, क्योंकि ये सभी बाहरी चीजों के प्रभाव के प्रति अति संवेदनशील है। अतः ये लोग इन सब चीजों से दूर रहने या बचने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कुछ रोगी जब बीमार होते हैं तो बहुत अधिक नाजुक हो जाते हैं, या वे इतनी सी बात से ही बीमार हो जाते हैं कि उन्होंने किसी दुर्घटना, लड़ाई या किसी भावनात्मक घटना को देख लिया होता है तो उससे वे खुद को और ज्यादा पीड़ित महसूस करते हैं और ऐसी बातों का असर उनके दिमाग पर बहुत समय तक रहता है, जिसके कारण उनकी भूख, प्यास, नींद आदि पर असर पड़ जाता है और इसके साथ ही वे मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं कि जरा सा भी कुछ भी हुआ तो वे बहुत जल्दी से डर जाते हैं, उदास हो जाते हैं या रो पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले, रोगी का किसी की भी बीमारी के बारे में सुनकर परेशान हो जाना। रोगी कहता है कि जब मैं कोई घटना समाचार देखता, सुनता या पढ़ता हूं तो घटित घटना मेरे दिमाग से जाती ही नहीं, जिससे मैं परेशान हो जाता हूँ। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा सुन लिया ना मैंने, तो वो चीज मेरे दिमाग में घूमती रहती है, वो जाती नहीं है, और वो चीज आई कहां से? बाहर के वातावरण से। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, कहीं भी बाहर घटने वाली किसी भी घटना या कोई अप्रिय चीज देखने के बाद उस चीज की याद मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय तक चिपकी रहती है। जैसे अगर मैं कहीं जाते हुए रास्ते में कोई शव यात्रा देख लूं तो मेरा मन सारा दिन उसी में खोया रहेगा और कई दिनों तक जब भी मैं उस रास्ते से गुजरूंगा तो मुझे एकदम से वो शव यात्रा की याद आ जाएगी, जिससे मैं परेशान सा हो जाता हूँ क्योंकि वो बहुत देर तक मेरे दिमाग से जाती नहीं है। एक रोगी कहता है कि जैसे ही मुझे कोई संवेदनशील गीत सुनाई दे जाता है तो उस गाने की आवाज मेरे मन में कई दिनों तक ताजा रहेगी, वो गूंजता रहता है, वो चलता रहता है, मेरे अंदर बजता रहता है। बस परिवार के सदस्य अपने किसी सदस्य के बारे में बताएंगे कि कैसे वह सदस्य किसी भी नाटक या फिल्म के किसी पात्र से प्रभावित होकर हूबहू वैसा ही करने की सोचने लगता है जैसा कि उसने देखा सुना होता है। दिस इज ऑल्सो सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन। आपकी बॉडी से बाहर से जो भी इम्प्रेशन आ रहे हैं, आप उनको, उनके प्रति सेंसिटिव हो, उनको अब्सॉर्व करके उनकी छाप पड़ गई है आप पे और उनको लेके बैठे हो। ये है एक्सटर्नल इम्प्रेशन का के प्रति सेंसिटिव होना, यानी बाहरी चीजों की आप पर छाप पड़ जाना। अभी दूसरा है हमारे पास में वर्ड सेंसिटिव मेंटल इम्प्रेशन टू। अब ये मेंटल क्या है? सेंसिटिव और इम्प्रेशन हमें पता है, लेकिन मेंटल कहां से आया, ये मेंटल क्या है? तो सेंसिटिव का मतलब हमने ऊपर पढ़ा कि कोमल हृदय वाला है, जल्दी प्रभावित होने वाला है, और मेंटल होता है दिमागी या मानसिक तौर पर, इम्प्रेशन छाप पड़ना या प्रभावित होना। तो मेंटल में क्या होता है, यहां रोगी अपनी बुद्धि, भावनाओं, विवेक या कुछ विचारों, वस्तुओं या स्मृतियों आदि से बुरी तरह से प्रभावित होता है। यानी कोमल हृदय होने की वजह से कोई बात जो उस रोगी के मन की उपज हो, देखिए मेंटल है यहाँ तो उसकी खुद की उपज होती है ये सब चीजें, ये बात ध्यान रखने की है। तो उस रोगी के मन की उपज हो या उसे याद आ जाए, उसके दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ती है, आसानी से दिमाग और मन से निकलती ही नहीं है, उसे परेशान कर देती है। यहाँ सब कुछ रोगी के दिमाग की ही उपज होती है। अभी हम इसको उससे डिडी करेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा एक कंफ्यूजन है जिसको मैं आपको दूर करना चाहूंगी। तो
तो यहाँ भी रोगी के दिमाग पर किसी चीज की छाप जल्दी पड़ जाती है जिससे वो परेशान हो जाता है, पर वो चीजें बाहर के वातावरण से आई हुई नहीं है बल्कि रोगी के खुद के दिमाग में, उसकी समझ या अनुभव में ऐसा कोई विचार, याद, बात, प्रतिमा या कोई मान्यता आदि आ जाती है जो एक बार दिमाग में आने के बाद उसके दिमाग में ही घर कर जाती है और उनसे रोगी परेशान और बेचैन हो जाता है। यानी यहाँ वह अपने ही किसी विचार, याद, मान्यता आदि के प्रति संवेदनशील होता है जो उसे परेशान कर देती है। जैसे एक रोगी कहता है कि जब मेरे दिमाग में मेरी बीमारी की गंभीरता का ख्याल आ जाता है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। उसने खुद नहीं सोचा, उसको बाहर से कुछ नहीं मिला। रोगी कहता है कि अगर कि जब मेरे घर का कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो दुर्घटना का विचार मेरे दिमाग में आ जाता है और उनसे मैं परेशान हो जाता हूँ। जब तक डॉक्टर साहब वो घर पे नहीं आ जाते ना, वो दिमाग में चलता रहता है कि यार एक्सीडेंट नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। वो एक ख्याल आ गया मेरे दिमाग में कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, वो दिमाग से विचार जाता नहीं है। रूब्रिक्स और भी हो सकते हैं, हम उनको नहीं समझ रहे, हम इस रूब्रिक को ही समझ रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ उतना ही बात करेंगे। कोई एक बात उसके जहन में आ गई, किसी की कही हुई, किसी की सुनी हुई या उसकी कोई पुरानी, और वो पकड़ लिया उसको और वो चीज उसमें घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, उसको परेशान कर रखा है, उसने उसकी नींद, सुख चैन, भूख प्यास उड़ा दी है। दैट इज द मेंटल सेंसिटिव टू मेंटल इंप्रेशन। किसी का माइक ऑन, रिया मैम है शायद। तो रोगी कहता है कि मेरे मन में शीघ्र ही हर बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ जाता है कि उसको मन से निकालना कठिन हो जाता है। वह मन से निकलती भी नहीं और तंग भी इतना करती है कि मैं दुखी हो उठता हूँ, सोचता हूँ कि इससे कैसे छुटकारा पाऊं। इसलिए मैं सभी से यही कहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी बात ना बताओ तो अच्छा है जो मेरे दिमाग में घुस गई और फिर निकलेगी नहीं। अभी ये तो बाहर से अगर आएगी तो फिर वो आप कहोगे ये तो एक्सटर्नल हुई, भाई किसी ने बताई, इसने सुन ली और छाप पड़ गई, तो ये तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल हुई। लेकिन ये इंटरनल कब बनेगी ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा मेरे साथ हकीकत में होता है कि बीमारी के वक्त मैं अपने आसपास वालों से अनुरोध करता हूँ कि वे मुझे किसी बुरी खबर के बारे में ना बताएं जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि उससे मेरे ऊपर बुरा असर पड़ेगा। उसके अलावा यह भी होता है कि जब मैं किसी बुरे व्यक्ति या रोगी को देख लूं या बुरी बीमारी के बारे में सुन लूं तो उन चीजों का असर भी मेरे ऊपर बहुत पड़ता है कि वो चीजें मुझे बाद में कभी भी किसी टाइम परेशान करती रहती हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर है बाहर और अंदर में, वो अपन देखेंगे। एक माँ बताती है कि जब उसका बेटा काम के लिए मोटरसाइकिल पर निकलता है तो उस समय दुर्घटना से जुड़ी पुरानी बातें उसके मन में आनी शुरू हो जाती हैं कि कहीं बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, और फिर वो सोच सोच कर परेशान हो जाती है। देखिए मैंने आज कोई घटना सुनी और वो मेरे दिमाग में छप गई और वो मुझे परेशान कर रही है, दैट इज एक्सटर्नल। लेकिन मैंने आज कोई घटना सुनी, कुछ देखा बुरा, और वो अभी मुझे अफेक्ट नहीं किया, अभी तो मैं नॉर्मल हूं। लेकिन वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद 6 दिन बाद जब वो मेरी मेमोरी में चला गया और वो मेरे अंदर का पार्ट बन गया, सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन गया, अभी वो मुझे जब याद आएगा तब मुझे परेशान करेगा, दैट इज मेंटल। क्योंकि याद बनती है, हमारी स्मृतियां बनती हैं, ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं बाहर से आई हुई चीजें होती हैं जो हमारे अंदर अटक जाती हैं और वो समय आने पर हमको परेशान करती हैं, वो फिर मेंटल बन जाती हैं। बस ये चीज का इतना सा डिफरेंस है। तो कोई भी बात आप देखो कि अभी रिसेंटली उसके साथ हुई है, बाहर से उसने देखी एब्जॉर्ब की तो एक्सटर्नल में गया, और अगर वो चीज उसकी पुरानी है, चाहे 2 दिन पुरानी 4 दिन, डॉक्टर साहब उस वक्त तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मैंने देख लिया डेड बॉडी को, लेकिन डॉक्टर साहब अभी 4 दिन पहले से मुझे वो ऐसे मैं अभी दिमाग में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तभी वो मेंटल बन गई। जब अभी उसकी याद आ रही है ना मुझे, वो बन गई। जब था उसके टच में भी रहा, मैंने 4 दिन तक काम किया, घर में रही, सब कुछ हुआ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी उससे कनेक्शन भी नहीं रहा, उधर से मेरा कोई लेना देना भी नहीं, तो निकल गई थी मेरे दिमाग से बात, अभी पता नहीं कहां से वो चीज फिर से आ गई है और जा नहीं रही है, दैट इज मेंटल। तो मेंटल इंप्रेशन मतलब मानसिक चीजों की छाप पड़ना, दिमाग में समझ या अनुभव से ऐसा कोई विचार, याद, बात, किसी की कोई प्रतिमा मतलब दृश्य, सीन या मूर्ति या जो भी आप समझो,
कुछ मान्यताएं आदि के आने से उन्हीं सब बातों की उसके दिमाग पर छाप पड़ जाना, ये है मेंटल इंप्रेशन। और एक्सटर्नल इंप्रेशन वातावरण की चीजों की छाप पड़ना, जो भी चीजें आपकी बॉडी और माइंड के बाहर स्थित है, बाहर से आने वाली किसी बीमारी की का समाचार हुआ, चाहे कोई विचार हुआ या कोई घटना दुर्घटना सुन लिया आपने, देख लिया या उसकी जानकारी आपको मिल गई और आप उससे प्रभावित हो गए, तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल। अब हम आते हैं मोरल सेंसिटिव मोरल इंप्रेशन पर। तो मोरल में क्या होता है, मोरल होती है, ये भी एग्जेक्टिव है, नैतिकता या आदर्श, जो हमें हमारे घर परिवार या समाज से सीखने को मिलते हैं और बाद में वो हमारा अहम हिस्सा बन जाते हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं कि सामाजिक या व्यवहारिक तौर पर हम ये सही है या ये गलत है, ऐसा मानने और व्यवहार करने लगते हैं और कहते भी हैं कि ये हमारे घर परिवार के संस्कार रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई बात नैतिकता के अनुसार ना हो तो रोगी बहुत बुरा महसूस करता है और जल्दी ही ऐसी बातों से प्रभावित हो जाता है। मोरल इंप्रेशन मतलब आदर्श या सही गलत की छाप पड़ना। यहाँ रोगी नैतिक विचारों या कार्यों के प्रति संवेदनशील होता है, अर्थात किसी तरह का गलत व्यवहार, गलत बात उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो सब उसके खुद के द्वारा दूसरों के साथ कही जाए या की जाए या दूसरों के द्वारा किसी अन्य के साथ कही जाए या की जाए, उन सब चीजों का उसे बहुत बुरा लगता है। यानी जो मेरे लिए सही है वो सबके लिए सही है और जो मेरे लिए गलत है वो किसी और के लिए कैसे सही हो सकता है, उसके लिए भी तो गलत ही होगा ना। अगर मैं आज मेरे लिए गाली सुनना पसंद नहीं करती हूँ तो मैं किसी और को गाली दूं, ये अच्छी बात तो नहीं है, हमारे संस्कार तो नहीं कहते। तो जब आदमी संस्कार, घर परिवार, यहां से ली हुई बातें करता है तो वो मोरल वाली बातें होती है, लेकिन अगर वही वो अपने जमीर से करता है कि मेरा जमीर अलाउ नहीं करता, भाई हमारे घर में तो ये बताई या नहीं बताई गई चीजें, लेकिन भाई हमारे घर में मेरी बहन तो बहुत झूठ बोल लेती, लेकिन भाई मुझे मेरा जमीर झूठ बोलना अलाउ नहीं करता, दैट इज कॉन्शियस कॉन्शियस कंसाइंस, आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है, वो होती है आपकी इंडिविजुअल, जो आप खुद डिसाइड करते हैं गलत सही। लेकिन मोरल्स में क्या होता है, हमको घर परिवार समाज से मिलते हैं कि भाई शादी हुई है, पल्लू रखो, ऐसे करो, घर की ड्यूटी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है, या और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं कुछ। रोगी कहता है कि मेरी बीमारी के चलते मैं ना तो घर का कुछ काम ही कर पा रही हूँ और ना ही खाना बना पा रही हूँ, ये सब काम मेरे बच्चों को दिन भर या मेरे दिन भर के काम से थके आए पति को करने पड़ रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। घर का काम तो मुझे यानी एक औरत को ही करना चाहिए ना, खाना तो मुझे ही बनाना चाहिए, ये इस लेडी की मोरलिटी है, ये इसकी मोरल्स हैं। रोगी कहता है कि मैं बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ, काम नहीं होता है, खाना नहीं बना पाती हूँ, बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, बूढ़े सास ससुर मिलकर किसी तरह खाना बनाते हैं और घर का काम करते हैं, और पेशेंट रोने लगी कहते कहते क्या बूढ़े सास ससुर काम करें और मैं लेटी रहूं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रोगी कहता है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करना इस आयु में मेरा धर्म है, परंतु उल्टे ही उन्हें मेरी देखभाल करनी पड़ रही है, ये मेरे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है, मुझे एक एक पल भारी पड़ रहा है, मेरा तो यह मानना है कि मुझ जैसे इंसान को तो जीने का कोई हक ही नहीं। तो यहाँ रोगी नैतिकता के प्रति संवेदनशील है, जहां कहीं भी नैतिक रूप से गलत होते देखता है, चाहे खुद से हो रहा हो या औरों से, वह बर्दाश्त नहीं करता। रिया मैम आपका माइक ऑन है, नॉइज आ रहा है। तो मेरा लेक्चर ये तीन रूब्रिक्स को समझाने का था, और कमाल की बात यह है कि इन तीनों रूब्रिक में एकमात्र मेडिसिन सिंथेसिस के हिसाब से मैंने निकाला था, तो नक्स भूमिका तीनों में, बाकी ओल्ड मैंने उसके हिसाब से किया, नई के साथ नहीं किया। तो हमारे पास में फॉस्फोरस, ट्रिटिकम, ग्रेटियोला, शायद पता नहीं क्या मेडिसिन है, नेट्रोम्यूर और प्लेटिना, ये पांच मेडिसिन सेंसिटिव एक्सटर्नल इंप्रेशन टू ऑल और मेंटल इंप्रेशन टू ऑल में है, जबकि स्टेफिसग्रिया, चाइना, कॉफिया, हिपरसल्फ, हाइड्रोजेनम और पॉजिट्रॉन एक्सटर्नल इंप्रेशन और मोरल इंप्रेशन में है, और डल के मारा अकेली ऐसी मेडिसिन है जो सेंसिटिव मेंटल इंप्रेशन और मोरल इंप्रेशन में है। तो मेरा लेक्चर सिर्फ यही था, अगर इसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वेलकम टू ऑल।
हेलो हेलो, हाँ मैडम पूछिए। गुड इवनिंग मैम। मैम ये एक रूब्रिक है, सैड स्टोरी अफेक्ट्स हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरी अफेक्ट्स, ऐसा एक रूब्रिक है ना, उसमें और मेंटल इम्प्रेशन में कैसा डिफरेंशिएट करेंगे? देखो मैम, मेंटल इंप्रेशन में क्या होता है कि उसके दिमाग में पहले कभी कोई बात गई होगी जो उसकी याद बन गई है, अभी वो उसको याद आ रही है अपने आप में, उसको बाहर से कुछ नहीं मिला है। लेकिन हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी, देखिए उसमें हॉरिबल होना चाहिए। एक तो ऐसा उसने कुछ हॉरिबल, देखिए वर्ड में ये हॉरिबल है ना, हॉरिबल थिंग्स, कोई भी ऐसी हॉरिबल वाली चीज और सैड स्टोरी, दुखी कर देने वाली चीज जब उसके जहन में आती है, मतलब उसके संपर्क में आती है, सुन लेती है वो, तब अफेक्ट होना। ठीक है, तो आपने जो मेंटल से पूछा है वो तो बिल्कुल अलग हो गया, अगर एक्सटर्नल से पूछती तो आप फिर भी जमती ये बात, लेकिन यहाँ सेंसिटिविटी है और आप वहां अफेक्टेड हो रही हैं कि आपने, मैंने सुन लिया कि हमारे उधर पड़ोस के अंदर है ना वो, अरे यार कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, बता नहीं सकती मैं, और बच्चे ऐसे ऐसे खून में लथपथ देखे मैंने, डॉक्टर साहब वो ऐसे, सुन लिया जब से मेरा तो दिल दहल गया, और वो एक्सीडेंट का डर मुझे, और वो ऐसे वो हॉरिबल वो चीज देखिए, हॉरिबल वाली कंडीशन, कोई ऐसा सीन, ऐसा कुछ, ऐसा हॉरिबल स्टोरी आपने सुन लिया, और एक्सटर्नली इंप्रेशन में कुछ भी डेड बॉडी का देख लिया, या कुछ भी आपने कोई भी ऐसी बैड न्यूज सुन ली और उसकी छाप आपके ऊपर पड़ गई, उसके प्रति सेंसिटिव होना। सेंसिटिव होना एक अलग चीज है कि भाई डॉक्टर साहब मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि मुझे कोई ये बात कह देता है ना कि भाई ऐसे ऐसे बीमार हूं मैं, और वो कोई ऐसे ऐसे कोई बात बताता है ना, तो मैं उसको बोल देती भैया मुझे मत सुनाना, वो मेरे दिमाग में से जाएगी नहीं और मुझे सोने नहीं देगी। तो सेंसिटिविटी को समझिए, और हॉरिबल थिंग और उससे जो इफेक्ट आएगा उस चीज का, वो अलग चीज है मैम, या सेंसिटिविटी है सिर्फ। सेंसिटिविटी से आपका क्या क्या रिएक्शन आएगी, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगी, ये नहीं लगी, वो नहीं लगी, कुछ क्लियर हुआ मैम? हेलो, थैंक यू हेलो मैम। जी मैम। सेंसिटिविटी कोई और छोटी छोटी प्रॉब्लम? छोटी सी छोटी सी चीज भी आपको इफेक्ट कर सकती है, आपको इफेक्ट होता है इसमें। ठीक है, सिर्फ इफेक्ट है आप पर उस चीज का, और वो जा नहीं रही है, आप पे छपी हुई है और वो परेशान कर रही है। सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, मुझे तो क्लियर हुआ, बहुत अच्छा था। सेंसिटिविटी है, जैसे अपन नहीं कहते कि सेंसिटिव टू ओपिनियन अदर्स एंड फियर ऑफ ओपिनियन अदर्स, तो यहाँ फियर और सेंसिटिविटी को समझना होगा। सेंसिटिव वाला बंदा क्या होता है कि अरे यार दूसरे क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में, तो घर से मत निकलो, अभी इतना बड़ा पिंपल हो गया मेरे गाल पे तो मैं तो नहीं निकलता। वो सेंसिटिविटी अपने लिए है, अपनी सोच है, उसकी वजह से रिएक्शन क्या दे रहा है कि बाहर नहीं जा रहा है। और फियर ऑफ ओपिनियन वाला क्या होगा, बाहर जाएगा वो देखेगा यार मैं बाहर जाता हूँ तो बाहर जाऊंगा तो फिर लोग मुझे मेरे बारे में बात करेंगे, तो वो बाहर जाने के बाद उसको, वो चला भी जाता है बाहर, निकलता भी, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको ये डर लगा रहता है कि यार अभी कोई देखेगा तो मेरे को ना कुछ बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ सेंसिटिविटी, ओपिनियन ऑफ अदर्स और फियर ऑफ ओपिनियन अदर्स से उस तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, सेंसिटिविटी, एक्सटर्नल इंप्रेशन एंड मेंटल इंप्रेशन को, और मोरल तो आपको सबको पता ही है। और आज हमारी मातुश्री प्रणाम सीरीज समाप्त होती है। सारी बहनें जिन्होंने केस प्रेजेंट किए, जिन्होंने रूब्रिक प्रेजेंट किए, उन्हें एचएसएस ग्रुप की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पूरा ग्रुप उनका आभारी है, और आप सब जिन्होंने टाइम दिया, हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अशोक सर एंड थैंक ऑल यू सर, थैंक डॉक्टर, यू मैडम, आप सबने इतना पेशेंसली सुना, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम।